गुड इवनिंग एवरीवन। सर ने तो मेरा नाम बता दिया, मैं गोपी कृष्णा हूँ और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर रह चुका हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर रह चुका हूँ और कम्प्लीटली टेक्निकल बैकग्राउंड का बंदा रहा हूँ हमेशा से, ठीक है। तो 2020 में जॉब मैंने छोड़ दिया अपना, मारुति सुजुकी में मैं जॉब करता था, उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज में आया, ठीक है। उसके बाद मैंने 21 में जब फॉर्म आया JPSC का, 7-10 JPSC का, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो बहुत कम टाइम का मेरा जर्नी रहा है, उसमें जो कुछ मैंने सीखा और मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें काम आ सकती हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए फ्रूटफुल हो, हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, बट मैं अपना शेयर करता हूँ अपनी कुछ बातें और मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए कुछ काम आएंगी, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। तो प्रीलिम्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होता है ना। कुछ बेसिक बातें मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा, ये चलता है। तो प्रीलिम्स के बारे में मैं कुछ बेसिक बातें आपको बताता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव नेचर का एग्ज़ाम है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो, आप फॉलो करते हो जो मटेरियल है आपका, आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करो, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो और मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट्स बनाओ आप। आप इसके लिए जिससे भी आप ले सकते हो हेल्प, टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो, जुड़ो, मार्केट में मैगजीन्स आते हैं, बुकलेट्स आते हैं जिसमें कि टेस्ट सीरीज अवेलेबल होता है आपको, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है ना कि आप जब एग्ज़ाम में अपीयर होते हो तो आपको लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस, आप इतना पढ़ के आए हो, बहुत सारे वेरियस रिसोर्सेज से पढ़ के आए हो, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो कि आपको नहीं आते, तो आप पैनिक कर जाते हो। उस पैनिक से बचने के लिए ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वहाँ पे पैनिक ना हो, क्योंकि जाना हुआ क्वेश्चन जब गलत हो जाता है ना तो आपको लिस्ट से बाहर कर देता है। और मेन है आपको हर्डल पार करना, आपको सब कुछ नहीं जानना है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, आपको बस हर्डल पार करना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स और टेस्ट सीरीज लगाओ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ये फ़ायदा होता है कि कई बार कुछ क्वेश्चन जो आप पढ़े हो उससे एनालाइज करके आप कुछ क्वेश्चन को बना सकते हो, तो उसके लिए ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तीसरा फ़ायदा इसका मैं बताता हूँ, दिस वर्क्स एज ए फीडबैक लूप, ठीक है। जो लोग इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के होंगे वो इस टर्म का मतलब समझते होंगे बहुत अच्छे से। कोई है क्या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले, तो फीडबैक समझते होंगे आप। सर कौन सा ब्रांच रहा है आपका? मेटलर्जी। अच्छा कोई बात नहीं, आप किसी मशीन को डिज़ाइन करते हो ना तो वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं ये जानने के लिए आपको आप फीडबैक लेते हो। लेट अस सपोज ये आपकी मशीन है, आप कुछ इनपुट डाल रहे हो, आपका आउटपुट आ रहा है ओ, ठीक है, आपको चाहिए था यहाँ पे आउटपुट ओ नॉट, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ना कि ओ नॉट और ओ, मतलब एक्चुअल आउटपुट और डिज़ायर्ड आउटपुट में क्या डिफरेंस है, ये जानने के लिए फीडबैक बड़ा ज़रूरी होता है। तो बात हो प्रीलिम्स की या मेंस की या इंटरव्यू की, आप फीडबैक को ये आपका अपना ग्राउंड रूल बना के रखो कि आप फीडबैक हमेशा लोगे। इसके लिए प्रीलिम्स के लिए आपके पास टेस्ट सीरीज है ना। आप अब हम आते हैं मेंस के बारे में, मेंस पे अगर हम आएँ तो मेंस में आपको पता है कि सारा खेल आपका दो बातों का है। पहला कि आपको क्या पढ़ना है, आपको पॉलिटी नहीं पढ़नी, आपको हिस्ट्री नहीं पढ़नी, आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, आपको पढ़ना है क्या, सिलेबस। आपको सिलेबस कवर करना है, सिलेबस का एक एक पॉइंट आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा मेन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप लोगों को पहले ही बताया गया होगा या कोई आए होंगे सर लोग तो बताए होंगे कि आंसर राइटिंग ये कैसे रब होता है, ये है क्या हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है ना। तो आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंसर राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपका दिखेगा एग्जामिनर को। आप जितना पढ़े हो आपको बहुत सारी नॉलेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप अच्छे से आंसर नहीं लिख पा रहे हो, तो इस बात में आप रह जाते हो कई बार कि नहीं थोड़ा और पढ़ लेते हैं फिर आंसर लिखना शुरू करेंगे, अच्छा थोड़ा और करंट पढ़ लेते हैं फिर अच्छे से आंसर लिखेंगे। जो पहली बार वाला जो झिझक होता है ना, इसको मन में मत रखिए, आप एक बार पढ़िए टॉपिक को और आंसर लिखना शुरू कीजिए और फीडबैक लीजिए
क्या लेंगे, फीडबैक लेंगे किसी भी टीचर से, जो भी आपके पास है गाइडेंस लेने के लिए। आप बहुत अच्छे जगह पे हैं सर, इतने अच्छे से गाइड करते हैं आपको, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप फीडबैक लें कि आपने जो आंसर लिखा है वो अप टू द मार्क है कि नहीं। फिर वही चीज़ आई कि डिज़ायर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में क्या डिफरेंस आ रहा है, आपको बस इस गैप को फिल करने के लिए अब काम करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करनी है, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ में जुड़ें, ठीक है। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरा इकोनॉमिक्स बहुत वीक था, सर ने बताया, मैं सर ने इकोनॉमिक्स में हेल्प किया। मेरा इकोनॉमिक्स बहुत वीक था क्योंकि टेंथ के बाद कभी इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं था कंप्लीट। पहले इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग के बाद 2 साल जॉब में था मारुति सुजुकी में, तो इकोनॉमिक्स से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में मैंने पहला टेस्ट यहाँ पर दिया था, मेरा पूरा जो कॉपी था, ये आंसर शीट होगा ना, पूरे में रेड रेड सर का लिखा हुआ था कमेंट्स कि यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये गलती कर रहे हो, तुम्हारा फंडामेंटल्स में ये वीक है, बहुत सारे, बहुत मतलब पूरा कॉपी मैंने घर जाकर देखा तो पूरा लाल हो गया था कॉपी मेरा, ब्लू पेन से लिखा था मैंने, पूरा कॉपी लाल हो गया था। और एंड आई फाइंड दैट दैट डे वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन, क्योंकि वो उससे क्या मिला हमको, उससे मिला हमको फीडबैक कि मेरे को कहाँ पे काम करना है, ठीक है। तो उन सारे पॉइंट्स पे मैंने काम किया और इकोनॉमिक्स मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ था। अब मार्क्स आएंगे तो पता चलेगा कि कितना स्कोर हुआ है, लेकिन बहुत ही अच्छा पेपर था, काफ़ी सेटिस्फाइड था मैं पेपर देखे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फीडबैक ज़रूर लीजिए हर सब्जेक्ट में, जो भी आपको लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है हर सब्जेक्ट के लिए लीजिए। जो आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसको छोड़िए नहीं, उसको लगे रहिए उसमें भी, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। एक अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी ज़रूर बनाइए, है ना। प्रीलिम्स मेंस बता दिया मैंने, इसके अलावा मैं ओवरऑल कुछ ग्राउंड रूल्स बता देता हूँ जो कि मैंने फॉलो किए। कि आपकी अपनी स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है ना, मैंने अपनी स्ट्रेटजी बताई कि मैंने ऐसे ऐसे फॉलो किया, मे बी ये मेरे लिए काम कर गई हो, आपके लिए ना करे, है ना। तो सबको अपने बारे में पता होता है अच्छे से कि मेरा कौन सा स्ट्रांग पॉइंट है, मेरा कौन सा वीक पॉइंट है। मेरा, मेरे को पता था कि इकोनॉमिक्स वीक पॉइंट है, साइंस मेरा, साइंस एंड टेक स्ट्रांग पॉइंट था। तो आपकी अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कीजिए। दूसरी बात कि आपको हमेशा क्या पढ़ना है, आपको सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका कि आपको फीडबैक लेते रहना है अपने प्रिपरेशन का, पढ़ते नहीं रहना है, पढ़ रहे हैं बहुत पढ़ रहे हैं यार, मज़ा आ रहा है हिस्ट्री पढ़ने में, पढ़ गया पूरा, आपको जहाँ पहुँचना है आप पहुँच रहे हो वहाँ या नहीं, ये ज़रूर देखना है आपको, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं मानता हूँ, सेल्फ बिलीफ, ठीक है। ये थ्रू आउट द जर्नी आपको मेंटेन करनी है कि आपका होगा ही होगा, अपने दिमाग में ये रखना है, कभी भी ये नहीं आने देना है कि मेरा नहीं हो पाएगा। जिस दिन ये आ गया आपको, उस दिन आप वीक पड़ जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम आ गया कहीं पे। इकोनॉमिक्स में मेरा इस बार जो मैंने टेस्ट दिया था, मेरा 80 मार्क्स आया था आउट ऑफ 200, आई शुड हैव गिवन अप, है ना। लेकिन जब ये बिलीफ होता है ना, सेल्फ बिलीफ अपने साथ होता है, तो नहीं, आप इस पे नहीं, इस पे फोकस करते हो, कौन कौन सा आपको पॉइंट्स मिला काम करने के लिए, आप उस पे काम करते हो और आगे बढ़ते हो, ठीक है। तो सेल्फ बिलीफ को बनाए रखना है कि नहीं, करना ही करना है, मैं तो कर ही लूँगा। आपने ये नाम सुना होगा, सेल्फ बिलीफ से याद आया मुझे, किसी ने सुना है नाम, ये पैरासेफ, सबसे एलीट क्लास ऑफ फोर्सेज है हमारे आर्मी की, है ना। इनके ट्रेनिंग में एक बात सिखाई जाती है, क्या किसी को पता है, एक इनका मोटो होता है पैरासेफ में, एक बात सिखाई जाती है कि हमेशा इनको जीतना है, नहीं ऐसा नहीं सिखाया जाता, इनको ये सिखाया जाता है कि इनको कभी हार नहीं मानना है, वट एवर बी द कंडीशन, कितना भी गंदा टॉर्चर किया जाए। आप इनकी ट्रेनिंग देखोगे, डिस्कवरी पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, आप ट्रेनिंग देखोगे, बहुत हार्श ट्रेनिंग होती है, बहुत हार्श, मतलब लिटरली लगेगा कि इनह्यूमन हो गया, ये तो करना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो इनको इसलिए ट्रेन किया जाता है, नॉट टू विन एवरी टाइम बट नेवर टू गिव अप इन एनी कंडीशन, ठीक है। तो आप सेल्फ बिलीव बनाए रखिए थ्रू आउट द जर्नी, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, सिलेबस को पढ़िए और अपनी अपनी प्रिपरेशन के लिए फीडबैक लेते रहिए हमेशा, ठीक है। बाकी अगर किसी को स्पेशल कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सिलेबस, सब्जेक्ट, सोर्सेज, ये सब के लिए आपको बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए।
मेरी जो कुछ खास बातें थी जो मुझे लगा कि आपको काम आ जाएंगी वो मैंने शेयर की, और किसी को अगर कोई पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर एंड करते हैं। नो हाँ सुनाई नहीं दे रहा थोड़ा जोर से। साइड हेडिंग्स जो हम लोग देते हैं उसको एक्सप्लेन किस टाइप से किया जाना चाहिए कि वो परफेक्ट। आंसर राइटिंग के बारे में आप पूछ रहे हैं। देखिए आंसर राइटिंग के बारे में ना एक मेन रूल ये याद रखिए, आंसर राइटिंग आप जब शुरू करते हो ना तो इसका तीन मेन पार्ट होता है। आपको बताया गया होगा अगर आप पहले से जुड़े हो, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, है ना। तो इंट्रो में पहला पार्ट होता है इंट्रो, वहाँ पे आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना होता है उस टॉपिक का, उस सब्जेक्ट का जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है ना। जैसे लेटेस्ट सपोज कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पूछा था हमारे में, ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में आप थोड़ा इंट्रो यहाँ पर दे दिए। उसके बाद क्वेश्चन जो था हमारा वो ये था कि ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट पड़ा, क्या पड़ा है इम्पैक्ट, है ना, उसको एनालाइज करना है। तो जो पहला हेडिंग बनेगा ना आपका, उस पर आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर कोई इस पर ध्यान दीजिएगा कि पहला हेडिंग जो बनेगा वो आपके क्वेश्चन से एज इट इज़ उतर जाएगा। जैसे आपसे पूछा, क्या पूछा था, तो आपका हेडिंग बना कि फॉलोइंग आर द मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। कुछ दिमाग नहीं लगाना है उस पर कि इसको ऐसे लिखें या हेडिंग को ऐसा बदल दें, कुछ नहीं, जो क्वेश्चन में पूछा एज इट इज़ हेडिंग में आपका आ जाना चाहिए, यहाँ पहला हेडिंग जो आपका है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा होगा ना तो वो देखेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा है, और वही जब उसको आंसर के पहले मेन हेडिंग में मिल जाएगा तो वो खुश हो जाएगा कि हाँ बंदे ने रिलेवेंट लिखा होगा, ठीक है। तो मेन काम तो वही है कि जो चेक करने वाला है उसको अपना आंसर दिखाना है, ठीक है। इसके बाद आप मेजर अपने पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए, 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स डिस्कस किए, ठीक है ना, ये सारे आपके पॉइंट्स हैं उसमें। लेटेस्ट सपोज कि आपने इंडियन इकोनॉमी में ये इम्पैक्ट में आपने ये डिस्कस किया कि ओपन हो गया तो मल्टीपल ऑप्शंस हो गए लोगों के पास, ठीक है, कि ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उसमें आप ये पॉइंट अपना डाल दो कि हाँ ये सारे ऑप्शंस लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन हो गए, मार्केट में कॉम्पिटिशन हुआ तो एवरेज क्वालिटी बढ़ी और रेट जो है प्रोडक्ट का वो कम हुआ, ये पॉइंट डाल सकते हो। उसके बाद जैसे आप सब हेडिंग के बारे में पूछ रहे हो ना, तो आपने ये मान लो कि ये सब हेडिंग बनाई, उसमें पहला पॉइंट ये बना दो कि कंपटीशन शुरू हुआ, दूसरा पॉइंट ये बना दो कि क्वालिटी बढ़ गई, तीसरा पॉइंट ये बना दो कि रेट कम हो गया, और चौथा पॉइंट में आप उसका कुछ एग्जांपल्स डाल दो कि ये जैसे हम पहले एक साव बनाता था सिर्फ नीमा, अभी ये सारे लक्स एंड ऑल ये सारे ऑप्शंस हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आप जितना अगर आपके पास ऑप्शन है कि पॉइंट वाइज लिखने का तो पॉइंट वाइज लिखो, जहाँ पे भी मौका मिल रहा है कि अच्छा ये वाला अंडरलाइन कर देते हैं, अंडरलाइन कर दो। मेन मोटो है आंसर राइटिंग का कि जब आपका कॉपी चेक हो रहा हो तो चेक करने वाले को परेशानी नहीं होनी चाहिए, एकदम आराम से अच्छा ये लिखा है इस स्पीड से अगर चेक करे तो आपका पूरा आंसर उसको दिख जाए, ये मोटो होना चाहिए आपके आंसर राइटिंग में। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि ऐसे रीड करके निकल जाएगा, उसको अगर दिख गया तो मार्क्स दे देगा, नहीं तो एवरेज आउट करके छोड़ देगा। ये मान के चलिए पॉसिबली कि अच्छे से कॉपी चेक हो, एक कॉपी पे आधा घंटा दिया जाए तो पूरा कॉपी पढ़े वो, लेकिन जनरली नहीं होता है। मेरे पापा हमेशा एक बात कहते हैं कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। तो आप उसके लिए प्रिपेयर करो कि आपका कॉपी 5 मिनट में ऐसे पार कर देगा, ठीक है। तो उसके लिए जब आप इस बात पे ध्यान रखो कि आपका आंसर दिखे, कोई अच्छा पॉइंट आपने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन इकोनॉमी सर्वे दिस इज वाज़ द डेटा रिलेटेड टू दिस सर्वे, तो आप उसको बहुत अच्छे से हाइलाइट करो, टाइम है तो बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है। तो आंसर दिखाना बहुत ज़रूरी है, वही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जामिनर के सामने, ठीक है। और कुछ किसी को ये उसके बाद है जब आप अपना बेसिक प्रिपरेशन कर चुके हो, तो जी हाँ हाँ अरे बहुत सारे पब्लिकेशन है आपके। आप देखिए एक उड़ान पब्लिकेशन आपने सुना होगा, इस इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है झारखंड के मटेरियल में, अगर सर को पता होगा सर से आप डिस्कस कर सकते हैं।
मेरे प्रिपरेशन में इकलौता बस मनीष रंजन नाम सुना था, उसके अलावा कोई इंग्लिश का सोर्स नहीं मिला। तो जिन लोगों ने इंग्लिश में प्रिपेयर किया उन लोगों ने भी हिंदी का ही सोर्स रेफर किया था, क्योंकि ऑप्शन नहीं है आपके पास। और मैं बता, झारखंड वाले पार्ट के लिए मेरा हिंदी मीडियम रहा है, मैं पहले कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में था, इंजीनियरिंग करी थी, लेकिन पेपर लिखा मैंने हिंदी में। और मैं जैसे गूगल कर रहा हूँ, सपोज आप करंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर सब्जेक्ट के लिए, तो करंट मैंने ऐसा नहीं कि पूरा थ्रू आउट न्यूज़पेपर पढ़ा, पढ़ते हैं लोग, पढ़ना चाहिए, दैट इज़ अ गुड हैबिट, लेकिन मेरा ऐसा था कि मैं कोई टॉपिक पढ़ता हूँ, लेट अस सपोज़ कि मैं पढ़ रहा हूँ जुडिशियल रिव्यूज़, ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू मैंने पूरा लक्ष्मीकांत से पढ़ा हिंदी वाले से, ठीक है, उसके बाद मैंने गूगल किया कि जुडिशियल रिव्यू UPSC ऐसा करके, है ना। तो आपको बहुत सारे न्यूज़ जो वेबसाइट्स होते हैं जैसे दृष्टि हो गई या फिर विजन हो गया, ये सबका आर्टिकल आपको मिल जाएगा, तो आर्टिकल आपको मोस्टली इंग्लिश में ही मिलेगा। तो मेरा भी वही केस था कि इंग्लिश में मटेरियल मेरे को मिल रहा था, लेकिन उसको मैंने अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट किया अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए, ऐसा बहुत बांध के मत रखिए कि नहीं हिंदी वाला मटेरियल मैं कैसे पढ़ूंगा या इंग्लिश वाला मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं तो हिंदी मीडियम वाला हूँ। जहाँ से अच्छा मटेरियल मिले आप ले लो, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम से 2 महीने पहले 2.5 महीने पहले अपने रिसोर्सेज को रेस्ट्रिक्ट कर दो, ठीक है। आपको बहुत सारे रिसोर्सेज में भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि हाँ नहीं इतना सफिशिएंट है, फिर भटकने कोई बंदा आके बोल दिया भाई देखना ये वाला बुक बड़ा सही है इकोनॉमिक्स का, इतनी मोटी बुक है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा कर रहे हो, आप टेस्ट में अच्छा कर रहे हो, आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको क्या ज़रूरत है, तो मल्टीपल रिविजन, क्योंकि हम आर्ट्स वाले सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हम भूल जाते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन टू फॉरगेट थिंग्स, है ना, ब्रेन हमारा इस तरह से डिज़ाइंड है कि हम भूल जाते हैं कुछ टाइम में चीज़ों को, ठीक है। तो आप बार बार जो अपना नोट्स बना लिया आपने उसको बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, और हर रिवीजन के बाद कोशिश करो कि आपका नोट्स जो पहले 5 पेज का था पहले रिवीजन के बाद 2 पेज का हो जाए, दूसरे रिवीजन के बाद 1 पेज का हो जाए, फाइनल रिवीजन के पास। मैं बताता हूँ, मेरे पास स्टिकी नोट्स जो होते हैं ना छोटे वाले, मैक्सिमम टॉपिक्स का स्टिकी नोट्स में था, पूरा साइंस मेरा 2 पेज में ख़त्म हो गया था। तो वो आपको हेल्प करेगा कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले आप पूरा एक बार थ्रू आउट गो थ्रू कर लेते हो, और वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम से पहले पढ़ा हुआ वाला लिखते हो आप, बट एक बार आप पूरे सिलेबस से गो थ्रू कर लेते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, अच्छा मैंने पढ़ लिया है अब अच्छे से लिखूंगा। वो कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम में बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया हो तो मल्टीपल रिविजन इस पर फोकस कीजिए फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, ठीक। ठीक है, तो फिर आज क्लास एंड करते हैं, ओके, थैंक यू। ऐसे भी आप लोगों को अगर कोई मेरी हेल्प चाहिए हो कभी भी, तो मैं सर से जुड़ा हुआ हूँ, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑलवेज अवेलेबल। ऐसा हेल्प मिलते रहेगा, कुछ ना कुछ सीखना है, सभी से लेने आना चाहिए आप लोगों को। अगर आप अपना रिसीविंग वाला एंटीना खोल के रखेंगे तो आपको किसी से भी आप ले सकते हैं, हर को सुनना है और कुछ उससे लेना है, ठीक है। मंजिल इतना आसान नहीं है, और इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी सभी की होती है। मैं आपको सभी से इसलिए मिलवा रहा हूँ क्योंकि सभी की अपनी इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी है और सब अपने आप में बेस्ट है, लेकिन आप पर कौन सूट करेगा ये भी डिसाइड आप ही को करना है। ये नहीं कि उसने ये पढ़ाया तो हम भी ये पढ़ेंगे, इसीलिए अपना स्ट्रैटेजी इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी बनाना है सभी का इनपुट लेते हुए, ठीक है। चलो सर, पैर छूने नहीं देते कभी, मौका ढूंढते रहता है पैर छूने।